दोस्तों हम करते हैं वादा, प्रॉफिट और ज्ञान मिलेगा आप सबको ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, प्रभात वेडिंग सर्विस ने जैसा कि आपको पता है कि वादा किया है कि आप सबको प्रॉफिट और ज्ञान की बरसात हो, और वो हम करते जा रहे हैं हर एक वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या लेने वाले हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कल के मार्केट का व्यू, यानी हम जानने वाले हैं कल मार्केट क्या करेगा। उसी के साथ हम लेने वाले हैं चार स्टॉक के बारे में व्यू। जी हाँ दोस्तों, आज तीन नहीं, आज हम लेने वाले हैं चार स्टॉक के बारे में व्यू, क्योंकि हमने एक आज आपको एक्स्ट्रा स्टॉक दिया है। तो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। अलोंग विद दिस दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने टेलीग्राम प्लस यूट्यूब की एनालिसिस की, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो का एम रखते हैं 3000 प्लस लाइक। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने कि अगर आपने किसी चीज को दिल से चाह दिया तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। दोस्तों यही हुआ है हमारे साथ, यही हुआ है प्रभात वेडिंग सर्विस के साथ। देखिए प्रभात वेडिंग सर्विस ने दिल से चाहा है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न करें और लर्न करें। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी एनालिसिस रही है, जितनी भी हम आपको एनालिसिस देते हैं, उसमें आप देखिए उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की अर्निंग होती है, लर्निंग होती है। आइए हम पहले लेते हैं प्रीवियस फ्राइडे को, यानी हमने जो फ्राइडे को जो हमने ट्रेड्स जो हमने एनालिसिस आपको दी थी, क्या उसमें दम था या पानी कम था। दोस्तों बात करें क्यूमिंस इंडिया की। देखिए क्यूमिंस इंडिया तो पहला इसने मॉर्निंग में खुलते ही टारगेट दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, मार्केट था पूरा अप, बट इसकी हिम्मत हुई नहीं ऊपर जाने की। हिम्मत हुई थी बट लोगों ने दबा के यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, और हमने आपको बताया था कि देखो भाई बेचना है उछाल में, उछाल मिले बेच दो। और मान लीजिए अगर किसी ने नीचे बेचा होता उसका, देखो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो देखो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। आपको सोच के समझ के करना पड़ेगा। उछाल मिले, मैंने आपको बेचने को कहा था, उछाल मिला था और 73 से ये माइनस में आके क्लोज हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि अरे सर प्लस तो एक रुपया 30 पैसे में हुआ है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्लस माइनस में हुआ है, ठीक है। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो माइनस में हुई है, यहां देखिए 468। तो शानदार और धमाकेदार इसका क्यूमिंस का हमारा ट्रेड रहा। अच्छा बात करूं मैं किसकी, बात करूं मैं अगर अजंता फार्मा, लाजवाब शानदार रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट था अप, ये था डाउन। अच्छा बात करें हम अगर बीबीटीसी, दोस्तों बीबीटीसी में हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। और देखिए जो है आपके सामने है, ठीक है, कोई नहीं, चार पांच ट्रेड लोगे, चार पांच एनालिसिस करेंगे, एक में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बीबीटीसी में ऊपर साइड तो मतलब ज्यादा गया नहीं, ठीक है। हमने आपको कितना, आपको हमने आपको बाय बोला था कि देखो भाई बीबीटीसी जब आपका 1520 के ऊपर जब क्लोज हो जाए तो आपको बाय करना है, और वहां पे हमारा एसएल हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा नीचे के साइड हमने आपको दूसरा पहलू ये दिया था, इसमें केवल पहलू दिया था हमने आपको कि दोस्तों 1500 के नीचे अगर जाता है ना तो आपको शॉर्ट सेल करना है। अगर आपने शॉर्ट सेल किया होगा 1500 के नीचे तो आपको 10 से 15 रुपए का मुनाफा हुआ होगा, ठीक है। तो बीबीटीसी को छोड़ के शानदार ट्रेड रहे हमारे। अच्छा दोस्तों मैं आपको बोलता हूं ना कि प्रभात ट्रेडिंग सर्विस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, ठीक है। अच्छा आपने ध्यान दिया दोस्तों, आप जितना हमारे यूट्यूब के एनालिसिस को फोकस करते हैं उतना हमारे किसको फोकस कीजिए, टेलीग्राम के एनालिसिस को। दोस्तों टेलीग्राम आप खोलिए, ओपन करिए और देखिए, हमने आपको 9:36 में बोला एबीबी बाय कर लो। अच्छा एबीबी जब हमने आपको बाय करने को दिया, आप देख सकते हैं शानदार जबरदस्त इसने एनालिसिस दी, ठीक है। एबीबी ने क्या दिया, शानदार और धमाकेदार रिजल्ट दिया, आप देख सकते हैं, आपको दबा के प्रॉफिट दिया होगा एबीबी ने। दोस्तों बात करें हम अगर पीआईआई इंडस्ट्रीज, अरे वाह भाई वाह, मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास। मैं अगर पीआईआई इंडस्ट्रीज की बात करूं, देखिए जो भी है आपके सामने है, मैं छुपा रहा नहीं हूं, बता रहा हूं। अच्छा पीआईआई इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, बियरिश एंगलफिन, पावर ऑफ बियरिश एंगलफिन, कैंडिड क्लोज थी, बेचने का बोला और रिजल्ट आपके सामने है, जरा देख के बताइए मेरे को। तो शानदार हमने आपको आपका मोटा पैसा कमवाया लास्ट फ्राइडे के सेशन में, और आपने दबा के अर्निंग भी लर्निंग भी की। तो ये है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस की पावर। चलिए अब हम बात करते हैं कल के मार्केट का व्यू।
बात करें निफ्टी की, दोस्तों देखो निफ्टी आपको ओवरऑल बाय करना है। आपको याद है ना हमने आपको क्या बताया था कि देखो निफ्टी शॉर्ट सेल में कम रहना, हाँ निफ्टी नीचे है तब बाय करना। तो अभी क्या है, अभी हम यहां पे बाय कर लें? नहीं, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, नीचे आए बाय कर लेना। अब नीचे कहां पे आए, आइए समझते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये गैप अप हुआ, नीचे आया, गैप फिल करके तब ऊपर गया था। अभी गैप अप हुआ था, गैप अप करके भी यहीं पे खड़ा है। अब क्या करना है, डिप में बाय करना है। कितने के आसपास, 11,580, 11,550 के आसपास आपको आए तो बाय करके चलना है। अच्छा, क्या आप कैसे लोगा, मान लीजिए जब नीचे आएगा, ठीक है, कल अगर नीचे आता है कितने के आसपास, 11,550 के आसपास, तो आपको 11,500 कैसल रख के आपको निफ्टी को बाय करके चलना है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड अप है। हाँ, अभी ओवरबॉट जरूर हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज ही बेच दो नीचे आ जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा नीचे आए बाय करना है। अब बाय कैसे करना है, आप सिंपल सा क्या करिएगा, जो मैं आपको देखो सारे प्राइजेशन बता रखे हैं मैंने आपको। एक तो मैंने आपको वो बता रखा है सीक्रेट, बियरिश एंगलफिन, बुलिश एंगलफिन वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, दो ग्रीन कैंडल फाइंड आउट कर सकते हो, हायर हाई ये दिख गया, सिंपल सा बाय के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेन आपका क्या है, निफ्टी ब्रेकआउट में है, आपको दिखाता हूं मैं, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन। ये देखिए, ये निफ्टी क्या है जी, निफ्टी ब्रेकआउट दे रखा है, चुपके से बाय कर लेना नीचे आता है तो। आप बने रहिए, जब नीचे आए सिंपल सा बाय कर सकते हैं आप। तो आप जान चुके निफ्टी को, चलिए समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों निफ्टी बैंक को मैं एनालाइज करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा देता हूं। याद है हमने आपको एक चीज कही थी कि देखो जी 23,200 के जब ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, जो कि मल्टी टाइम रेजिस्टेंस है, अगर 23,200 के नीचे अगर ऊपर निकल जाता है तो रोकने से नहीं रुकेगा। क्या हुआ इस बार बताओ, आपके सामने है रिजल्ट, आपके सामने है 23,200 के जब ऊपर निकल गया था ना, कसम से ये रुका नहीं, 24,500-600 का ही जाके गया है। अभी क्या करना है, अभी हमको निफ्टी बैंक को डिप में बाय करके चलना है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। अब अभी हमें रुक जाना है, टॉप पे बाय नहीं करना है, ठीक है। जब नीचे आए, नीचे कहां तक आएगा जी, अभी देखो, अभी आपका निफ्टी बैंक जो है बिल्कुल 500-600 पॉइंट अप हो चुका है 24,000 के लेवल से। अब अगर 24,000 का अगर आपको लेवल देखने को मिलता है डिप में, यू कैन गो फॉर द बाय, ठीक है, एंड क्लोजिंग बेसिस पे 24,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमको डिप में बाय करना है, अभी नहीं। अभी बाय करोगे ऊपरी लेवल पर फंस सकते हो, फिर आप बोलोगे सर लॉस हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ठीक है। तो डिप में आपको बाय करके चलना है बैंक निफ्टी को, अंडरस्टूड। कैसे बाय करके चलना है, वही नॉर्मल सा, हायर हाई देखो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, जो चीजें बताई हैं। क्या पता वहां पे स्मॉल टाइम, क्या पता आपको वहां पे बियरिश बुलिश एंगलफिन दिख जाए, वहां पे अपना प्राइस एक्शन फॉलो कर दो। तो इस प्रकार से आपको काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हम जान चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्टॉक्स के बारे में जाने उससे पहले, अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। चलिए, जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है HUL। क्या फुल फॉर्म है जिसका, हिंदुस्तान यूनिलिवर। तो इसने क्या किया, ये समझते इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। देखिए पहली बात तो HUL ने एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ चुका है, ठीक है। कितना था क्रिटिकल सपोर्ट, ये 2165 का, 2165 का बहुत ही लवली सा, बहुत ही शानदार सा क्रिटिकल सपोर्ट था, जो कि बार बार बच रहा था, और लास्ट फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, तोड़ दिया। क्या करना आपको, अब हमको बेच के चलना है, उछाल में बेच दो। पहली बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा, जो भी बिगनर लोग हैं, अब लोग कहते हैं सर उछाल तो आया नहीं। देखो मैं कहूं अगर उछाल मिले तो उछाल नहीं मिलेगा, आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप किस लिए बने, आपका बुद्धि किस लिए बना है, समझिए मेरी बातों को, ठीक है। तो उछाल मिलता है, ये जरूरी नहीं है उछाल मिले ही मिले, ठीक है। आपको अपना प्राइस एक्शन, अपना बुद्धि यूज करके बेचना है, जब तक ये 2165 के नीचे रहे। आपका एसएल कितना पुट होगा, आपका एसएल होगा इसमें 2175 का, ठीक है, आपका 2175 का आपका एसएल होगा, और जब तक 2165 के नीचे बना रहे, मान लो उछाल मिले, उछाल मिलेगा वहां पे आपको दो रेड कैंडल बन जाए, बेच दीजिए नीचे के टारगेट के लिए, क्योंकि इसने बहुत ही दिनों का ब्रेकडाउन दे चुका। अगर मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखाऊं ना, आप बोलेंगे वाजी वाह सर क्या शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैव अ लुक, देखिए यहां पे डेली के भी चार्ट पे देख सकते हैं आप, डबल ट्रिपल बॉटम लगा था, तोड़ चुका है, मतलब
नीचे की तरफ चिढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? अब ये नीचे ही जाने को रेडी है, तो आप इसमें एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, जान चुके हैं हम पहला स्टॉक, चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे। जो दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में, उसका नाम है यूपीएल। तो यूपीएल हमको बाय करके चलना है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अब यूपीएल ऊपर खुले नहीं लेना है, नीचे लेना है, क्योंकि बहुत रैली दे चुका है। अब जब नीचे आए कितने के आसपास आ सकता है दोस्तों? ये आपका अगर मान लो 510 पे आएगा, 510 पे आ गया, 515 पे आ गया, आपको यहाँ पे एक्युमुलेशन करना है। कितने का एसएल रख के? आपको एसएल रखना है 506 का, यानी 506 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 506 के ऊपर जब तक बने रहे आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो आपका 506 का एसएल हो गया, बाकी टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। बस ध्यान रखिएगा, आप इसको ऊपरी लेवल पे ना लें, इसको आपको डिप में लेना है, डिप में। ठीक है, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बाय है। ठीक है, जब कभी भी डिप मिले वहां पे बुलिश एंगलफिन का फॉर्मेशन देख के या दो हायर हाई कैंडल्स देख के 15 मिनट पे, 10 मिनट पे यू कैन गो सिंपली बाय। अंडरस्टूड? क्योंकि क्या किया जी इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सपोर्ट का, मतलब एक रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है, डिप मिले बाय करना है। सो समझ चुके हैं आप दूसरा स्टॉक? चलिए, आज मैं आपके लिए ना बोनस स्टॉक दो लेके आया हूं, आइए समझते हैं। जो पहला बोनस स्टॉक है उसका नाम है कोलगेट। दोस्तों कोलगेट हमको शॉर्ट सेल करके चलना है। कब, कितने के नीचे शॉर्ट सेल करके चलना है मैं आपको दिखाता हूं। आपको कोलगेट को 1400 के नीचे शॉर्ट सेल करके चलना है। आप देख सकते हैं कोलगेट ना बहुत ही बार यहां पे क्रिटिकल सपोर्ट लिया करता था। ये कितने का लेवल था दोस्तों? ये लेवल था आपका 1405 का, 1405 का। 1405 के बाद आसपास बार बार सपोर्ट लिया करता था। अब ये तोड़ चुका है, अब नहीं रुकने वाला ये। अब हमको क्या करना है, चांसेस नीचे जाने के। ठीक है, तो आप लगाइएगा कितने का एसएल? आप एसएल लगाइएगा 1410 का, और जब तक ये 1405 के नीचे बना रहे आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं नीचे साइड के टारगेट के लिए। ठीक है, आप इसमें टारगेट, मैं आपको फर्स्ट टारगेट बता देता हूं इसका, इसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1377 का, सेकंड टारगेट आप अपने से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमको शॉर्ट सेल करके चलना है। और आपको मैं देखो मैं दूसरा कंफर्मेशन दिखाऊं दोस्तों, इस कंफर्मेशन के लिए एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, बहुत पावरफुल चीज है ये, हैव अ लुक, दिस इज द पावर ऑफ दिस थिंग। ये क्या है, कैंडल है, छोटी कैंडल इमर्ज हो गई है। व्हाट डज इट मीन? क्या है जी, बियरिश एंगलफिन है, नीचे ही जाएगा ये, रखिएगा रिजार्ट रडार पे। दोस्तों चलिए जानते हैं जो लास्ट बोनस स्टॉक है हमारा। दोस्तों उस बोनस स्टॉक का नाम जाने से पहले एक अनाउंसमेंट दे दूं मैं आपको। दोस्तों आज हमारा नया ट्रेनिंग बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है विद अ हैवी डिस्काउंट। तो अगर आपको इस बैच में ज्वाइन होना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच है ये, तो आप इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों ऑफर ये केवल आज और कल का है, तो आप अपनी जाइए और सीट बुक करवाइए। चलिए, जो लास्ट स्टॉक है हमारा उसका नाम है एनआरबी बियरिंग। दोस्तों ये है बियरिंग का स्टॉक, यानी ये बियरिंग बनाती है। ठीक है, जो पंखों में, जो एक्सल्स में, जो गाड़ी के पहियों में लगते हैं। अब क्या किया इसने, इसने क्या किया है, एक एंगलफिन कैंडल को फॉर्म कर दिया। एक कैंडल है उसके अंदर स्मॉल कैंडल इमर्ज हो गई है। क्या मतलब है, अब हमको इसको बाय करके कब चलना है सुनिएगा, जब ये एनआरबी बियरिंग जब इसका हाई तोड़े। तो आपको पता होगा हमने आपको एक चीज बताई है कि अगर प्रीवियस हाई तोड़ता है, प्रीवियस हाई कितना दोस्तों ये देखो, अगर इसके हाई के ऊपर लगातार कैंडल रहती है, कितना हाई है दोस्तों ये इसका, कितना लेवल है ये आपका लेवल है 91 का, सॉरी ये इसका लेवल है 90.50 का, 90.50 के जब तक ऊपर रहे तब तक आपको इसमें बने रहना है बाय के लिए। तो आप इसको एक बाइंग के बाय के लिए देख सकते हैं ऊपर साइड के टारगेट के लिए। बाकी अगर नीचे क्लोज हो जाए ना इसके, छोड़ देना, आपको बता दे रहा हूं मैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा 90.50 के नीचे क्लोज हो जाए तो छूना नहीं है इसको, लीजिएगा मत, उसको फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो एनआरबी बियरिंग मेरे को एक अच्छा लग रहा है अपसाइड के लिए। तो हम जान चुके हैं सारे स्टॉक। तो आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे हैं हमारी वीडियो से, बहुत कुछ वैल्यू ले रहे हैं, और इसी प्रकार से सीखते रहिए। ठीक है, बाकी देखिए मेरा मेन काम क्या है, आप लोगों को सिखाना और कमवाना, वो हम कर रहे हैं। और देखो सीखते रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे सीखो। दोस्तों अगर आपको हमारे अंदर कुछ स्पेशल चीज मिलती है तो ही हमारे पास आइए, बाकी अच्छे लोग सिखा रहे हैं और भी लोग मेंटर हैं वो भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सीखिए। ठीक है,
बाकी देखो सीखना कायम रखिए, ठीक है, ज्ञान कहीं से भी लीजिए, ज्ञान का स्रोत कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, टिल देन थैंक यू। और दोस्तों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको इसी प्रकार से कंटेंट चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।